और पीएनटीवी पीएनटीवी। थैंक यू। हाय, दिस इज फरमान हैदर। दिस इज समृद्धि शुक्ला। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन पीएनटीवी। डेफिनेटली। और ये ज़रूरी नहीं कि एक शो से निकलने के बाद साथ में काम हो। आई थिंक कई बार पैर जो होता है उसको रिपीट भी नहीं किया जाता है। बाकी किसी को भी आई थिंक दोबारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ठीक है, एज एन आर्टिस्ट हमको ऐसा लगता है कि हमको तरह तरह की चीज़ें पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग अलग हमको कैरेक्टर्स करने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हमको जगह पे जाके काम करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज के साथ, डिफरेंट चैनल्स के साथ। तो उसको बोलते हैं कि आप जो एक्टर होता है उसको वर्सटाइल होने में, अलग कैरेक्टर्स करने में, उसके साथ जस्टिस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉमी नहीं देखो, उतनी बात तो नहीं हो पाती है क्योंकि 12 घंटे आई थिंक ये 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करती हैं, 12 घंटे, और मैं 12 घंटे काम करता हूँ। तो 12 घंटे काम करने के बाद हमारी जब भी होता है या कुछ भी हम पोस्ट करते हैं तो ऐसे बात हो जाती है। लेकिन पहले हम साथ रहते थे, हर चीज़ शेयर होती थी, हर चीज़ लंच वगैरह ब्रेक में भी, हमने तो कितनी लंच स्टोरीज वगैरह भी की है, तो लंच ब्रेक साथ में होता था। लेकिन अब वही है, कभी कभार बात हो जाती है। सेट भी इनका बहुत दूर है और मेरा भी बहुत दूर है, तो वो मैं नहीं मिलती। आप लोग मेरे पास आ जाते हो तो मिलना हो जाता है, आप इनके पास क्यों नहीं जाते? मतलब ये बता रही हैं कि मुझसे लोग कम प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक दिन प्यार कमाऊंगा, माँ वादा है। देखो मैंने कई बार कहा भी और लोगों से कहा कि अगर आपको वो प्यार आपके शो के बाद भी मिल रहा है ना, तो वो लॉयल फैंस हैं, वो आपने कमाए हैं। और ये जो खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है, ये पैसे से बड़ी है। अगर आपने लोगों का दिल जीत लिया, लोगों को जीत लिया, तो पैसा उसके सामने कोई चीज़ नहीं है। आई थिंक वो इनको भी बहुत अच्छा फील होता है, मुझे भी अच्छा फील होता है। और हम ज़िंदगी भर ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी कैरेक्टर करें उसका एक अपने लॉयल फैन बेस होना चाहिए, लॉयल ऑडियंस होनी चाहिए, जिसको हम पसंद आए, उनको ऐसा लगे कि हमने इस कैरेक्टर को पूरी श्रद्धा से किया है, पूरे दिल लगा के, पूरे मन लगा के, पूरी ईमानदारी के साथ किया है, तो बहुत खुशी होती है। क्या था, आई थिंक वही है कि ये उनका प्यार है। शायद अभी भी इतना वक्त हो गया, हम नए शो में चले गए उसके बावजूद बना रहे हैं, तो मतलब दिल में शायद हमारे किरदारों ने एक अच्छी जगह बनाई होगी और शायद हमने रोल को इतना जस्टिस दिया है कि यू नो, वो अभी भी हमें याद कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। सुमन सुनैना नमन बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों ही, और शो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्टली मैंने 6-7 एपिसोड खुद देखे हैं, तो आई एम वेरी होप्ड कि क्या मिस्ट्री है, बिकॉज मुझे मिस्ट्री वाले शोज बहुत पसंद हैं। तो कास्टिंग वाइज, एक्टिंग वाइज, एग्जीक्यूशन, स्टोरी, एवरीथिंग इज सुपर्ब। सो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दो को एक्टर्स को पहले से जानती थी, अनीता मैम, श्रुति उल्फत मैम, तो मुझे बड़ा जलन हुई, जेलस फील होता है कि यार ये तीनों एक जगह पहुंच गए, यार मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा पुराना को एक्टर, लेकिन नए वाले भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं, उनसे भी बॉन्डिंग बन जाएगी, बन रही है धीरे धीरे। लेकिन ऐसे देखा इनको तो मैंने कहा देखो यार, हम लोग कुछ भी कमिट नहीं कर सकते, हम लोग के हम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, इनका शूट क्या है, मेरा शूट क्या है। टेलीकास्ट आई थिंक आपका 7 दिन है, 7 डेज है, मेरा 6 डेज है, तो मे बी शायद ऑफ देते हैं,
इनको शायद ना दें या बाकी के हमारे जो टीम वाले लोग हैं उनका कुछ हो ना हो, तो अभी कुछ कमिट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली अगर टाइम हुआ कुछ हुआ तो सब लोगों से मिलेंगे, विशेस देंगे, और बस सब डाइट में तो केक कोई नहीं खाएगा। नहीं, मैं तो केक खाऊंगी अगर हुआ तो, मैं तो अच्छा खासा खाना, मुझे तो अभी भी भूख लग रही है, मुझे भूख लगती रहती है। अभीरा बहुत खाती है। अभीरा क्या, समृद्धि उससे ज्यादा खाती है, मुझे बहुत भूख लगती है। बहुत सारी दिल से दुआएं हैं, और मैं हमेशा सबकी हेल्थ के लिए पहले करता हूँ कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ अच्छी हो जाए, और उसके बाद आप हमेशा हमें प्यार देते रहें, और हम दोनों के शोज़ देखते रहें, प्यार देते रहें, और हमेशा हमें अपनी यादों में अपने साथ। न्यू ईयर में कोशिश कीजिए कि आप कुछ नई आदतों को लेकर जा सकें, पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने की कोशिश करें, एंड नया काम कमाएं, कमाई का जरिया आपका बढ़े, और आप अपनी फैमिली को, खुद को खुश रख पाएं। PNTV, थैंक यू PNTV, आपने हम दोनों को एक साथ मिला दिया, और बड़ा खुशी हुई यहाँ पे मिलके आपसे।